ये गाइस वेलकम टू माय लाइफ। और अभी टाइम हो रहा है 10:26 और अभी मैं अपलोड कर देता हूँ ब्लॉग, क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूँ। एडिटिंग मैंने रात में कर दी थी। सबसे पहले मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ। ब्लॉग अपलोड में लगा दिया और अभी टाइम हो रहा है 11:04 और 12 बजे ब्लॉग आ जाएगा। और अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता करता हूँ, क्योंकि अभी सो के उठा हूँ और सीधा मैंने ब्लॉग में लगा दिया था सो के उठ के। मैंने अपने लिए बादाम और खजूर भिगो के रखे थे, अब ये खाता हूँ। कितने बादाम है? 5 और 2 खजूर। अभी फ़िलहाल मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं और फ्रीज भी ऑन करना मुझे वहाँ जाके। अच्छा, ये पानी की बोतल ऊपर ले जानी पड़ेगी यार। घर तो मैं आ गया और बाहर बहुत तेज़ की गर्मी हो रही है, और मैंने सोच लिया कि अब मैं नया मोबाइल लूँगा, वो भी आईफोन लूँगा। उसको ख़रीदने के लिए मेरे को 7 महीने लग जाएगा, 7 या 8, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, पता है रेस्टोरेंट का काम डेली तो आता नहीं है। और आईफोन की तो ज़रूरत है वैसे मुझे, क्योंकि उसका कैमरा क्वालिटी बड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं दूसरों को भी देखता हूँ ना ब्लॉगिंग करते हुए, उनकी भी वो भी आईफोन से शूट करते हैं। जैसे कि मोबाइल से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, इसमें कुछ ख़राबी है। इसका जो पावर बटन है अपना आप ही दब रहा है, और कुछ चीज़ दबा रहा हूँ कुछ और दब रहा है। मुझे लग रहा है इसके अंदर का कोई पार्ट है वो डैमेज हो गया। अब मेरे को जल्दी से जल्दी रेस्टोरेंट में काम करना ही पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, तभी मैं आईफोन ले पाऊँगा 5-6 महीने बाद। और मेरे पास कोई अभी कोई बैकअप नहीं है, ये मोबाइल ख़राब हो गया मेरा डेली ब्लॉग भी टूट जाएगा और दूसरे चैनल में वीडियो बना नहीं पाऊँगा। पर कोशिश अच्छा, तभी यहाँ से आवाज़ आती है इसी से। मैं सोचा क्या हुआ, बाथरूम में तो नहीं है? बाहर तो बहुत ऐसी गर्मी हो रही है। अभी फिलहाल मैं चीड़े को पानी दे देता हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए जल्दी आया हूँ चीड़े को पानी देने के लिए, क्योंकि बाहर ऐसे लग रहा है कि बहुत सालों से पानी नहीं डाला इसमें। अब जल्दी से पानी डालते हैं इसमें, बच्चा हुआ पानी में फेंक देता हूँ क्योंकि गंदा हो जाता है। पहले इसको साफ करो, पानी फेंक दो फिर भर दो। अभी मुझे लगी है भूख, अब मैं खा लेता हूँ खाना। खाने में है भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। अरे नीचे गिर गया, गर्म है क्या? हाँ गर्म ही है। खाना तो मैंने खा लिया, अब मैं सो जाता हूँ, क्योंकि कल मैं रात को वहाँ तो सो नहीं पाया। इतने सारे मच्छर तो काटे जाते इसलिए नींद भी खराब हो गई थी, इसे अभी सो जाता हूँ। अभी सो के उठा हूँ और अभी शाम के बज रहे 6:26। अभी फिलहाल मैं छत में घूम रहा हूँ, क्योंकि अभी सो के उठा हूँ ना, इसलिए मैं सीधा छत में आ गया। और अभी मैं कुछ दिनों से रेस्टोरेंट में काम में जा नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे नाना भी हॉस्पिटल में है और यहाँ पे घर में तो कोई होना तो ज़रूरी है। मम्मी तो वहाँ रहती है नाना के घर में, क्योंकि नानी अकेली होती है, उनको खाना बना के देना होता है, इसे मैं जा नहीं पा रहा। बस मैं कल से जाना स्टार्ट कर दूँ काम पे, क्योंकि मुझे फ़ोन भी लेना है इसीलिए। अभी फ़िलहाल मैं टाइम लैप्स करता हूँ, बहुत दिनों से टाइम लैप्स भी नहीं किया। बाहर फिलहाल अंधेरा हो गया और कहीं घूम के आता हूँ बाहर, क्योंकि घर वालों ने सारा मूड खराब कर दिया। बता नहीं सकता क्या हुआ, बस हो गया। और 3 दिन से भी कहीं बाहर घूम के नहीं आया, अभी घूम लेता हूँ, मूड भी फ्रेश रहेगा आज।
खाना दे के आया हूँ, क्योंकि मौसी 3 दिन से हॉस्पिटल में थी और नाना हॉस्पिटल में एडमिट है और एक जने का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मौसी रुक गई थी। वो घर का खाना तो उन्हें खाया नहीं था, वो हॉस्पिटल के खाई थी, इसलिए मैं मम्मी ने खाना बना दिया और मैं वहाँ दे आया। और कुछ भी नहीं आज किया मैंने पूरे दिन, और बस मैं पूरे दिन घर में था। मैं अपने काम पे तो जा नहीं पा रहा क्योंकि नाना हॉस्पिटल में है और मम्मी भी कल जाएगी शायद हॉस्पिटल। घर में तो एक बंदे का होना ज़रूरी है, इसमें ये रुक जाऊँगा घर में थोड़े दिन तक, मैं काम पे जाऊँगा नहीं। और मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड कर देता हूँ आज के लिए, इतना ही। फिर मैं निकल न्यू ब्लॉग साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।